नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। खबर बिहार से, जहां पर पुलिस मुख्यालय के एक पत्र को लेकर के तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से सवाल पूछते हुए कह दिया है कि आप तो हिटलर हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और उसमें तेजस्वी यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सरकार का एक आदेश है और उस आदेश के सहारे नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने हमला किया है। हमले में ये कहा गया है कि नीतीश कुमार जो हैं वो नौकरी देंगे नहीं, और जो नौकरी के लिए आवाज़ उठाएगा उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होगी। दरअसल ये पूरा पत्र है पुलिस मुख्यालय का, और इस पत्र में देखिए, ये बिहार पुलिस मुख्यालय का की तरफ से ये पत्र दिया गया, और यहाँ पर एक लाइन है जो हाईलाइट की हुई है, वो हम बता रहे हैं आपको। यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है, तो उसके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्ट की जाए। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पाएंगे। दरअसल इसका मतलब ये समझिए कि कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति अगर विधि व्यवस्था की स्थिति, ये विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में अगर ये करता हुआ पाया जाता है और पुलिस के द्वारा जो FIR लॉज होती है, अगर उसमें ये आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उस व्यक्ति के चरित्र प्रमाण पत्र के प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस तरह की एक तरीके से कि एक्ट किया, यानी कि प्रदर्शन किया, विरोध किया, सड़क जाम किया, ये तमाम चीज़ों को लेकर के। उसके बाद अब नीचे लिखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उसमें सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पाएंगे उस व्यक्ति को, ये कहने की कोशिश हुई है। अब तेजस्वी यादव ने लिखा क्या है, तेजस्वी यादव लिखते हैं कि मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं, अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं, ये कहने की कोशिश हुई है। पुलिस विभाग का जो पत्र है, उस पत्र में विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, इन तमाम कामों को करने के बाद अगर पुलिस की जांच रिपोर्ट में ऐसा खुलासा होता है, व्यक्ति पर आरोप सिद्ध होते हैं, तो उस व्यक्ति के चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, यानी कि जब आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि आपको अपने चरित्र का प्रमाण पत्र देना है कि आप गुंडई, हिंसा, इस तरह की चीज़ें करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा या मामला नहीं है। उन तमाम चीज़ों के बाद ही नौकरी की जो आगे की प्रक्रिया होती है वो आगे बढ़ती है। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने उसी लेटर के हवाले से सरकार को पर हमला बोला है, ये कह दिया है कि नीतीश कुमार अब हिटलर जो हैं उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जिस तरीके का कृत्य किया जा रहा है, सरकार आवाज़ जिस तरीके से उठाने वालों के बारे में आदेश जारी कर रही है, उससे ये लग रहा है कि 40 सीट पर सिमटे सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो बेहद डर गए हैं। आपको बताएं कि तेजस्वी यादव के निशाने पर यही है कि सरकार नौकरी देगी नहीं, और जो नौकरी पाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होगा उसकी आवाज़ को कुचला जाएगा, वैसे लोगों को ब्लैकलिस्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं किया जाएगा, जिनको नौकरी नहीं मिलेगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।